हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल। अब हम बात कर रहे हैं मेजर मिनरल्स इन इंडिया पार्ट थ्री की। अभी तक हमने डिस्कस किया मिनरल्स क्या होते हैं, कैसा उनका डिवीजन है। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था आयरन के ओर्स कहाँ पर है, मैग्नीज के ओर्स कहाँ पर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आयरन और मैग्नीज दो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जिनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपर। कॉपर माइंस की बात करें तो कॉपर आप सभी ने देखा होगा, अक्सर जो हमारे घर में वायरिंग होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन अंदर से जो मेटलिक वायर निकलता है वो कॉपर का बना हुआ होता है, इस तरीके से नजर आता है। साथ ही साथ कॉपर के यूटेंसिल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा होता है कॉपर के बर्तन में पानी पीना, खाना खाना, राइट। तो मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कॉपर ओर डिपॉजिट्स लोकेटेड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, मलाजखंड माइंस ऑफ बालाघाट मध्य प्रदेश, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कॉपर माइंस के लिए। एग्जाम में पूछे गए हैं मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है मलाजखंड माइंस, रिमेम्बर मध्य प्रदेश मलाजखंड ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और झारखंड का सिंहभूम एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। In addition, there are small copper ore deposits in Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Maharashtra and West Bengal. Map में आप देख सकते हैं copper, जो small black color से dot आपको नजर आ रहे हैं, ये पूरा copper belt है, जिसमें आप देखेंगे संताल परगना region, West Bengal, ये पूरा सिंहभूम region है, यहाँ पर हजारीबाग plateau, झारखंड, पलामू, बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, बैतूल मध्य प्रदेश में है, ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज। इसके अलावा राजस्थान का झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा। बात करते हैं डायमंड्स की। डायमंड बहुत ही प्रीशियस स्टोन माना जाता है और आसानी से इसे खरीदा नहीं जा सकता है, काफी एक्सपेंसिव मेटल ये होता है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोयले से डायमंड बनता है। पहले वो कोल होता है, कोल जब और हार्ड हो जाता है तो वो इतना पॉलिश्ड हो जाता है, इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ कोयले की वैल्यू, कहाँ डायमंड की वैल्यू, राइट। बट ये नेचुरल प्रोसेस है और उस प्रोसेसिंग में मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना तपोगे, जितना घिसोगे, उतना ज्यादा शार्प, उतने ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, इतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो डायमंड ये एक एग्जांपल है, राइट। सो डायमंड्स आर फॉर्मड इन मेंटल, दे बॉट अस ड्यू टू वोल्केनिज्म। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स ऑकर इन डाइक्स, सिल्स, वोल्केनिक लैंडफॉर्म। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ये मान लीजिए अर्थ की क्रस्ट है, यहाँ पे एक वोल्केनिक माउंटेन है। अब सिल और डाइक क्या होते हैं, देखिए ये क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल में क्या होता है मैग्मा। अब यहाँ मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा गर्म होता है, हीट होता है, तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है बाहर निकलने के लिए। जब मैग्मा बाहर निकलने के लिए प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसको जहां पे भी क्रैक्स मिलेंगे वहां से वो बाहर निकलेगा। लेट्स से वो यहाँ से बाहर निकल रहा है एक वेंट बनाकर, राइट। अब कहीं कहीं पे उसे रॉक्स के बीच में हॉरिजॉन्टल क्रैक भी मिलेगा, कहीं पे वर्टिकल क्रैक भी मिलेगा। तो इस तरीके के जो क्रैक्स में मैग्मा जाता है और जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होके वहीं पे जम जाता है, तो वोल्केनिक रॉक्स यहाँ पे बन जाते हैं मैग्मा के डिपोजिशन की वजह से। अब यहाँ पे आप देखिए जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें हम सिल बोलते हैं और जो वर्टिकल होते हैं इन्हें हम डाइक्स बोलते हैं, राइट। तो ये सिल और डाइक्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो रॉक्स होते हैं जनरली ये वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, कोयले की तरह होते हैं, लेकिन बाद में ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डायमंड्स आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मेटल एंड इन जेम कटिंग। वो इतना शार्प और हार्ड होता है कि जेम्स की कटिंग में भी यूज किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डायमंड इज इन कटिंग एजेस ऑफ ड्रिल्स यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ मिनरल्स, राइट। डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इट कैन ब्रेक अदर सब्सटेंस विदाउट इटसेल्फ गेटिंग ब्रोकन। उससे किसी भी चीज को काटेंगे या तोड़ेंगे तो वो खुद नहीं टूटेगा। अभी तक डायमंड सबसे हार्डेस्ट मेटल माना गया है। इसके अलावा बकमिंस्टर फुलरीन जिस पर रिसर्च चल रही है वो डायमंड से भी हार्डेस्ट मेटल पाया जा रहा है, लेकिन अब तक उसकी यूटिलिटी का पता नहीं चला है। ये देखिए डायमंड, आप सभी जानते हैं, सभी ने देखा है डायमंड काफी
अट्रैक्टिव होता है और इसमें रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा चमकता है। इंडिया में अगर डायमंड्स की बात करें तो विंडन सिस्टम हैव डायमंड बियरिंग रीजंस फ्रॉम विच पन्ना एंड गोलकोंडा माइंस हैव बीन माइंड। तो पन्ना पूरे इंडिया में काफी फेमस है, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, वहां पे डायमंड्स काफी ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा गोलकोंडा माइंस में डायमंड ज्यादा मिलते हैं साउथ इंडिया में। सॉरी, वज्रकरूर किम्बरलाइट पाइप इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रेवल्स ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो हैव रिजर्व्स ऑफ डायमंड। Reserves have been estimated only in Panna Belt and Krishna Gravels in Andhra Pradesh. The new kimberlite fields are discovered recently in Raichur Gulbar district of Karnataka. पहले यहाँ पे diamonds नहीं पाए गए थे, नहीं research की गई थी, लेकिन अब Raichur Gulbar district जो Karnataka का है, यहाँ पे भी diamond mines पाए गए हैं। Reserves of diamonds in India are not yet exhausted and modern methods are being applied for intensive prospecting and mining. Cutting and polishing of diamond is done by modern techniques at important centers like Surat, Navsari, Ahmedabad, Palampur, Jaipur, etc. तो कहीं से diamond निकलता है, लेकिन cutting and polishing ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान regions में देखने को मिलती है। यहाँ पे आप map में देखेंगे, ये मध्य प्रदेश का पन्ना है, यहाँ पे diamonds मिलते हैं। इसके अलावा वज्रगढ़, रायगढ़ एंड महानदी कृष्णा बेसिन में भी मिलते हैं, कुछ किम्बरलाइट रीजन में मिलते हैं, वज्रकोट, जोनागिरी, राइट, ये वाला जो रीजन है, ये सारे रीजन हैं डायमंड के, ये डायमंड बेल्ट्स ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स, दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, बट अदर इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप बीइंग एंथ्रेसाइट कोल। एलोट्रॉप क्या होता है, ईच ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, मतलब कार्बन एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में मिलता है, जबकि वो दोनों ही कार्बन से बने हुए लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, राइट। जैसे कि वो कार्बन ग्रेफाइट में भी कन्वर्ट होता है, चारकोल में भी कन्वर्ट होता है और डायमंड में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, राइट। तो ग्रेफाइट एंड डायमंड शेयर द सेम कंपोजिशन बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें 90% और मोर कार्बन होता है, जबकि डायमंड 100% कार्बन होता है। डिफरेंस याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। ग्रेफाइट नॉन मेटालिक मिनरल है, डायमंड भी नॉन मेटालिक मिनरल है। ये कैसे बनता है, व्हेन कार्बन इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इन अर्थ क्रस्ट एंड इज द अपर मेंटल, राइट। और डायमंड कैसे बनता है, व्हेन कार्बन इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इन द मेंटल। तो ये ज्यादा डेप्थ में होता है, ये ऊपर होता है। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सब्सटेंस ऑन अर्थ, डायमंड इज लेस स्टेबल देन ग्रेफाइट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, आप सभी ने देखा होगा, कभी कभी पोताई के काम में भी आता है, पेंट करने के काम में भी आता है। पुराने जमाने के जो घर होते थे वो चूना से ही पोते जाते थे। लाइमस्टोन रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर कैल्शियम कार्बोनेट, डबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और मिक्सचर ऑफ बोथ। इसमें कुछ अमाउंट सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फर एंड सल्फर भी होता है और जनरली ये सेडिमेंट्री ओरिजिन यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं, राइट। 75% जो लाइमस्टोन है ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन एक मेजर कंटेंट होता है। 16% इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड 4% जो लाइमस्टोन है वो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा पेपर, शुगर, फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज होता है। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, यानी लाइमस्टोन काफी अबंडेंट अमाउंट में इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में लाइमस्टोन पाया जाता है, लेकिन जो मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेड कलर से ये दिख रहा है आपको, ये पूरा लाइमस्टोन रिच एरियाज है इंडिया के, राइट। तो राजस्थान में और इस वाले बेल्ट में आपको ज्यादातर लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, 16% लाइमस्टोन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जबलपुर, सतना और बैतूल रीजन में, राइट। राजस्थान में 6% रिजर्व्स हैं और ओवर 16% टोटल लाइमस्टोन इंडिया का प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्स कम है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश पजेस अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन इन द कंट्री। एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स पाए जाते हैं कडप्पा, कुर्नूल और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स में। गुजरात की बात करें तो 11% लाइमस्टोन इंडिया का गुजरात में है और बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दुर्ग में लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के रामानंथपुरम,
कलेम, कोयम्बतूर और इसके अलावा बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के गुलबर्ग, बीजापुर और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। तो याद रखना है आपको कौन कौन से स्टेट्स हमने देखे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन सभी स्टेट्स में लाइमस्टोन अच्छा खासा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले डायमंड्स को, डायमंड्स के बाद हमने देखा ग्रेफाइट और डायमंड के बीच डिफरेंस, फिर हमने देखा लाइमस्टोन को और लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग रीजन्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एडुनाच।